हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट चटनी। इंस्टेंट चटनी से मेरा मतलब ये है कि जो हम नॉर्मली जो हरी मिर्ची जो यूज करते हैं, उससे मैं बनाने वाली हूँ ऐसी चटनी जो कि आप कभी भी मतलब उसको निकाल के यूज कर सकते हैं और खाने को इतना टेस्टी बना सकते हैं। और आप ऐसा नहीं है सिर्फ खाने के साथ, उसको किसी भी चीज समोसे के साथ भी आप खा सकते हैं, कचौड़ियों के साथ खा सकते हैं, मतलब हर एक चीज के साथ आप खा सकते हैं। जहां आपको, और वो इतना अच्छा टेस्टी होगा ना कि आप एक बार बनाएंगे और बार बार बनाने का आपका मन करेगा, और एक बार खाएंगे तो भी आप कभी भी ऐसा नहीं है कि उसका टेस्ट भूलेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। उसके लिए मेरे पास कुछ सामग्री है। मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैंने पचफोरन के जो है उसको रोस्ट करके उसको बारीक पीस लिया है दरदरा सा, ठीक है। ये मैंने कुछ आमचूर पाउडर लिए हैं जो मैंने खुद पे आम के जो पीसेस आते हैं उसको सुखा के फिर उसके मैंने बारीक मतलब दरदरा सा मैंने बना रखा है। ये है मेरा नमक, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं डालने वाली हूँ। ये ऑयल मैं उसमें यूज करने वाली हूँ, सरसों ऑयल यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि अचार वगैरह में ना सरसों की ऑयल बहुत ही अच्छे लगते हैं और बाकी ऑयल उतना टेस्ट नहीं आते हैं। तो आप अगर खाते हैं सरसों का तेल तो आप वो यूज कीजिए, अदरवाइज अगर दूसरा करते हैं तो उसका थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ जाता है। बाकी मैं क्या यूज करने वाली हूँ वो देखिए, बनाने वाली किस चीज का, ये है कुछ ग्रीन चिली जिसको मैंने धो के इसको अच्छे से सुखा दिया है। इसमें एक भी पानी नहीं है, ठीक है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अच्छे से सुखा दिया है। ये कुछ मैंने अदरक लिए हैं, अदरक के पीसेस मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। ये कुछ मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। इस तीनों को मिक्स करके हम ये अचार बनाने वाले हैं। तो चलते हैं इस टेस्टी चटनी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सर जार, और इसमें हम डाल के सारे जो मिर्ची अदरक लहसुन है इसको हम दरदरा जो है पीस लेंगे, मतलब इतना नहीं पीसेंगे कि वो बिल्कुल चटनी बन जाए, उसको बस दरदरा हमें करना है, ठीक है। तो वैसे हम करके इसको बिल्कुल हमें ऐसे ही दरदरा पीसना है। देखिए मैंने गार्लिक को पीस दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने अदरक को भी दरदरा सा पीस लिया है। तो इसके बाद हम मारी बारी है मिर्ची, तो आप देख सकते हो कुचिया जिस टाइप का बनता है वैसे ही मैंने मिर्ची भी इसको जो है कर दिया है। ये सारे मसालों को हम करते हैं मिक्स, और इसको हम ऐड करते हैं इसमें। अब आप देख सकते हो ये मैंने मिर्ची जो है हल्का दरदरा पीस दिया है, ये वो गार्लिक है जिसको लहसुन बोलते हैं, ये अदरक है, ठीक है, मैंने सबको जो है दरदरा पीसा हुआ है, और ये वो सारे मसाले हैं। अब हम इसको सबको जो है एक ही में मिक्स करेंगे, ठीक है। अब मिक्स करके इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। तो गाइस देखिए, ये मैंने सारी चीजों को मिक्स कर दिया, लग रही है ना बिल्कुल मस्त परफेक्ट चटनी। और इसमें जो स्पाइसी है, मसाले हैं, तीखापन है, इससे ये बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इसका। अब हम इसमें लास्ट में जो ऐड करना है वो है ऑयल, तो हम इसको करेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून, जितना आप ऑयल डाल दीजिए। वैसे अगर आप ज्यादा भी ऑयल डालते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ऑयल आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई भी चटपटा कोई चीज बना रहे हैं, कचौड़ी वगैरह बना रहे हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि इन सारे मसालों के साथ साथ इसका फ्लेवर भी जो है उस कचौड़ी या समोसे वगैरह में आ जाती है। तो इसमें मैंने ऑयल को ऐड कर दी। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा बाउल, इस बाउल में हम इसको रखेंगे। और तो गाइज ये रहा इसका फाइनल लुक। ये चटनी आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, कितना प्रिटी दिख रहा है। और इस चटनी को खाने के बाद कम से कम तो आप 2 रोटी की जगह पे 4 रोटी तो खाने ही वाले हो। तो आप बताइएगा जरूर ये रेसिपी कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट किया कीजिए, क्योंकि मैं उसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के लिंक जो है शेयर करती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिए, और इन्जॉय कीजिए ऐसी अच्छी सी चटनी सी जो कि आपको फ़ायदा भी है। इसका कोई भी, इसमें सारी नेचुरल चीज़ें हैं इसमें, तो कुछ भी इसमें नुकसान करने वाली बात है नहीं। जो मार्केट का जो अचार होता है या चटनी होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप ये चटनी बनाइए, और बना के अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगी। और इन्जॉय कीजिए, थैंक यू।